नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गडकरी बोले, मोदी नहीं मनमोहन ने दिया था अच्छे दिन का नारा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अच्छे दिन का मशहूर नारा दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया था, लेकिन यह नारा अब मोदी सरकार की गर्दन का बोझ बन गया है। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा कि अच्छे दिन मानने से होता है। दिल्ली में एक NRI समारोह में मनमोहन सिंह ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब पूछा गया कि अच्छे दिन कब आएंगे तो सिंह ने जवाब दिया था भविष्य में। मोदी जी ने यही बात कही और अब यह हमारी गर्दन का बोझ बन गया है। मोदी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छे दिन के नारे का खूब इस्तेमाल किया था। रियो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक में जीता सोना। भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, जिन्होंने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर रियो खेलों में पीला तमगा जीता। एथेंस ओलंपिक 2004 में स्वर्ण पदक जीतने वाले देवेंद्र ने F47 वर्ग में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़कर स्वर्ण पदक जीता। देवेंद्र का पिछला रिकॉर्ड 62.15 मीटर का था, जो उन्होंने एथेंस ओलंपिक 2004 में बनाया था। यहाँ उन्होंने 63.97 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। भारत में अब 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक हो गए हैं। थंगावेलु मरियप्पन ने इससे पहले पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता, जबकि वरुण भाटी ने इसी वर्ग में कांस्य पदक जीता था। बाद में दीपा मलिक ने महिलाओं की शॉटपुट में रजत पदक जीता। वायुसेना के जगुआर विमान में लगी आग, पायलट सुरक्षित। भारतीय वायुसेना के जगुआर विमान में मंगलवार को अंबाला वायुसैन्य अड्डे से उड़ान भरने से कुछ समय पहले आग लग गई, लेकिन पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकल आया। यह लड़ाकू विमान परमाणु पेलोड लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। रक्षा सूत्रों ने कहा कि पायलट को उड़ान भरने के समय आग का पता चल गया और उन्होंने उड़ान टाल दी और इससे सुरक्षित बाहर आ गए। इस घटना के संबंध में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। अंबाला के उपायुक्त प्रभुजोत सिंह ने वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा कि यह घटना रात करीब 8 बजे हुई। सिंह ने कहा कि पायलट सुरक्षित है और उन्हें मेडिकल जांच के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया गया है।